Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I am Muhammad Abid. Welcome you on behalf of Islamabad College for Boys, G63 Islamabad, for recorded lecture of 9th class. I believe you must be in good health. Dear student, the procedure which I would adopt for this lecture, I would translate the lesson in Urdu and explain difficult words meaning in Urdu. Therefore, you should have lead pencil and notebook with you in order to write down the meaning of difficult words. Dear student, let's start from the lesson number one. Your lesson number one is savior of mankind. Savior of mankind, savior mean najat dahinda, mankind mean banino insan, yani banino insan ka najat dahinda. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical suns. Unparalleled mean bemisal, dilkashi, beauty, khubsurti, trackless, gumnam, bekaida, bekaida raste, desert, sahara, sand dunes, ret ke tile, dazzling. Dazzling mean आंखों को चुंदिया देने वाली रेस शुआई. ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल कहते हैं खते सरतान और खते जद्दी के दरमियाने इलाके. उस्तवाई सूरज की चुंदिया देने वाली शुआओं में रेत के टीलों के बेरा रेगिस्तानों के साथ अरब बेनजीर शहर और हुसन की हामिल सरजमीन है. इस स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रेवलर. स्टारी स्काइज सितारों से भरा हुआ आसमान, एक्साइटेड जुम्बिश देने वाला, तहरीक देने वाला, खींचने वाला, इमेजिनेशन तखय्युल, पोइट्स शायर एंड ट्रेवलर्स मुसाफिर. इसके सितारों भरे आसमान ने शायरे और मुसाफिर मुसाफिरों के तसव्वुरात को उभारा है. इट वॉज इन दिस लैंड दैट द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ मक्का विच इज अबाउट 50 miles फ्रॉम द रेड सी. ये वही सरजमीन है जहाँ शहर मक्का के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील की मुसाफत पर है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 2. द अरब पोजेस्ड ए रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल. एलोक्वेंट कहते हैं जी फसीहुल, फसीहुल बयान को. रिमार्केबल गैर मामूल, पोजेस्ड रखते, हामिल होना, हेड. अरब गैर मामूली यादाश्त रखते थे और एक फसीहुल बयान लोग थे. देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री. एलोक्वेंस फसा खुश बयानी, फसाहत, एक्सप्रेशन अदायगी, इजहार. उनकी फसीहुल बयानी और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी के अंदर पाया जाता है. एवरी ईयर ए फेयर वॉज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कंपटीशन एट पास. पोलिटिकल कंपटीशन शायराना मुकाबला, फेयर मेला. हर साल एक मेले का इनकार, शायराना मेले का इनकार किया जाता है, इनकार किया जाता है. इट इज़ नरेटेड दैट, और ये बयान किया जाता है, नरेटेड का मतलब बयान किया जाता है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद. हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट 100 लॉन्ग पोएम्स without taking into account short pieces and all that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. Taking into account khatir mein na lata hue, shumar mein na lata hue, gine baghair, short pieces, chote qatat, nazme. कंपोज लिखी गई हों, तख्लीक की गई हों, एक्सक्लूसिवली खास तौर पे, प्रोमल्गेशन,
प्रोमलगेशन का मतलब तशहीर। मैं हरूफ तहजी के हर हरूफ के लिए आपको छोटे कितात को शुमार में लाए बगैर 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ, और ये तमाम खसूसी तौर पे तशहीर इस्लाम से कबल शायरों की लिखी हुई होंगी। इट इज़ नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी चोज अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ल्ड। डिस्पेंसेशन मीन कायनात की तरतीब, प्रिजर्वेशन कायम रखने के लिए, महफूज रखने के लिए। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी निज़ाम और अपनी दुनिया को बचाने के लिए अरबी जुबान का इंतखाब किया। नाउ वी आर मूविंग टू पैराग्राफ नंबर 3। इन द 5th एंड 6th सेंचुरीज mankind stood on the verge of chaos. Chaos mean इंतशार, बदनज़मी। mankind, नस्ल इंसानी, वर्ज किनारा। पांचवी और छठी सदियों में इंसानियत बदनज़मी के किनारे पर खड़ी हुई थी। इट सीम दैट, सीम मीन महसूस होना, नजर आना। यूं नजर आता था दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 years टू ग्रो हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग का मतलब टुकड़े टुकड़े होना, पाश पाश होना, सिविलाइजेशन, तमद्दुन। यूं नजर आता था कि तमद्दुन जिसने परवान चढ़ने में 4000 साल लिए थे, रेजा रेजा होना शुरू हो चुका है। एट दिस पॉइंट इन टाइम अल्लाह ऑलमाइटी रेज ए प्रॉफिट फ्रॉम अमंग देमसेल्फ हु वाज़ टू लिफ्ट ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। रेज्ड, मबूस करना, खड़ा करना। ब्रॉट अप फ्रॉम अमंग, उनमें से, इग्नोरेंस जहालत, फेथ ईमान और यकीन। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने अरबों में से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया जो इंसानियत को इनकी जहालत से उठाकर ईमान की रोशनी में लाने वाले थे। पैराग्राफ नंबर 4। व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 इयर्स ऑफ एज, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे, he spent most of his time in solitude and meditation. Solitude कहते हैं जी तन्हाई को, meditation कहते हैं जी मुराकबे को, ज्ञान को, सोच विचार को। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे, वो अपना ज्यादा वक्त तन्हाई और सोच विचार में गुजारते थे। To the cave of Hira he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. Remembrance mean याद करना, याद इलाही, अल्लाह अलमाइटी। वो खुराक और पानी साथ लेकर गारे हिरा में तशरीफ ले जाते हैं और कादर मुतलक की याद में दिन और हफ्ते गुजार देते। पैराग्राफ नंबर 5। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज। इंतजार का वक्त खत्म हो चुका था। हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी। ओवरफ्लोइंग, लबरेज, प्रोफाउंड गहरा, कंपैशन हमदर्दी, रहम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी और रहम से लबरेज था। He had a pressing urge. Pressing urge mean shadid jazba to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. Eradicate mean galat aqaid ko khatam karna. Wrong belief, galat aqaid. Eradicate ka matlab khatam karna. Social evil,
माशरती बुराइयां, क्रुएलिटी, जुल्म, इनजस्टिस, नाइंसाफी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी को मिटा देने का शदीद जज्बा था। द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोर्ड विद प्रॉफिटहुड, बेस्टोर्ड का मतलब नवाजे जाना, वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा जाना था। वन डे व्हेन ही वाज इन केव ऑफ हिरा, जब वो गारे हिरा में थे, हजरत जिब्राइल केम एंड कन्वेड टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादर मुतलिक का मंदरजा ज़ैल पैगाम सुनाया। रीड इन द नेम ऑफ दाय लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड। कंजील्ड ब्लड मीन जमे हुए खून का लोथड़ा या टुकड़ा। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से। रीड एंड दाय लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, बाउंटीफुल कर्म करने वाला, रहम वाला, फराग दिल, जेनरस। पढ़ तेरा रब बहुत कर्म करने वाला है। टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, जिसने कलम से इल्म सिखाया इंसान को, वो सिखाया जो वो जानता नहीं था। नाउ वी मूव टू पैराग्राफ नंबर 6। The flow of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has arisen to proclaim oneness of God and unity of mankind. Flow कहते हैं जी बहाव को, सिलसिले को, divine, खुदा ताला की तरफ से, proclaim, ऐलान करना, oneness, तौहीद। अल्लाह के पैगाम का सिलसिला जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा शुरू हो चुका था। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद का, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए खड़े हुए थे। His mission was to destroy the nexus of superstitions, ignorance and disbelief set up on a noble conception of Islam, of life, and lead mankind to light of faith and divine bliss. Superstitions, tohum prasi, disbelief, bedini, noble, ala, conception, tasavvurat, bliss, musarrat, rohani sukoon. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तो हम परस्ती, जहालत और बेदीनी के सिलसिलों को नेस्तो नाबूज करना, ज़िंदगी के आला तसव्वुर को कायम करना और इंसानियत की ईमान की रोशनी और रूहानी सुकून की तरफ रहनुमाई करना था। नाउ वी मूव टू पैराग्राफ नंबर 7। Since the belief in oneness of God Almighty was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his follower. Dominance, ghalba, threatening, khatra ban gaye the. Pagan, kafir. माउंट, इंक्रीज, बढ़ाना, फॉलोअर्स, पैरोकार, पैरवी करने वाले, क्योंकि अल्लाह कादर मुतलक की तौहीद का अकीदा मुआशरे में उनके तसल्लुत को खतरे में डाल रहा था।
अरब के कुफार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया था. दे वॉन्टेड हिम टू रिनाउंस हिज कॉज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग. रेनाउंस, रेनाउंस मीन छोड़ देना. काज मकसद. आइडल वर्शिपिंग बुत प्रस्ती. वो उनसे चाहते थे कि अपना मकसद छोड़ दें और बुतों की प्रस्तिश शुरू कर दें, बुतों की पूजा शुरू कर दें. ऑन वन ओकेजन, ओकेजन मीन मौका, दे सेंट ए डेलीगेशन टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. काइंड एंड केयरिंग अंकल. डेलीगेशन वफद, केयरिंग मेहरबान, ख्याल रखने वाले, मददगार. एक मौके पर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और मददगार चचा अबी तालिब के पास एक वफद भेजा. इट टोल्ड हिम टू रेस्ट्रेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह ऑलमाइटीज मैसेज और फेस देयर एनमिटी. एनमिटी मींस दुश्मनी. प्रीचिंग तबलीग. रेस्ट्रेन, रोकना. उसने उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कादर मुतलक का पैगाम फैलाने से रोकने के लिए या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करने को कहा. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन ए डायलेमा. डायलेमा दोहरी मुश्किल. ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन. सिचुएशन मीन मामला. अपने आप को दोहरी मुश्किल में पाकर उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और उनके सामने सूरत हाल की वजाहत की. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam answered with these memorable words. Memorable mean yadgar alfaz. My dear uncle, mere pyare chacha, if they put the sun in my right hand and the moon in my left hand, agar wo suraj mere daaye haath mein aur chand mere baaye haath mein rakh dein, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of God. फिर भी मैं अल्लाह ताला की तौहीद का ऐलान करना नहीं छोड़ूंगा. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. Perish mean तबाह हो जाना. मैं जमीन पर सच्चा दीन कायम करूंगा या इस कोशिश में तबाह हो जाऊंगा. Now move to the paragraph number 8. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, "Son of my brother, go thy way. None will dare you. None will dare touch thee. I shall never forsake thee." Impressed, mutasir hona. Firm determination, pukhta irada, mazboot irada. Nabi Pak ke chacha apne bhatije ke mazboot irade se is qadar mutasir hue ke unhone jawab diya, mere bhai ke bete, apna kaam jari rakho, koi tumhe chhune ki jurat nahi karega, main tumhe tanha nahi chhodunga. Now we move to paragraph number 9. And the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty has chosen for mankind.
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते पर जरूर चले जो अल्लाह कादर मुतलक ने इंसानियत के लिए चुना था। इम्ब्यूड विद सरशार होना, डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, रिजॉल्व इरादे। द होली प्रॉफिट एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी। ग्रेस मीन दिलकशी, डिग्निटी खामोश तर्ज अमल। एनकाउंटर्ड सामना करना, अल्लाह की रहनुमाई और मजबूत इरादे से सरशार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजों का मुकाबला इज्जत और वकार से किया। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। एलिवेटेड बुलंद किया, स्पिरिचुअल रूहानी, वर्ल्डली दुनियावी डोमेन मैदान। बहुत जल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में बुलंद तरीन मुमकिन सतह पर सरफराज कर दिया। ही वॉज ऑल्सो ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अरब कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मीन फतुहात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की फतवात के पीछे एक तहरीक देने वाली कुव्वत भी थे, विच हैड क्रिएटेड एवरलास्टिंग इंप्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, जिन्होंने इंसानी तारीख में ना खत्म होने वाले असरात मुरतब किए। नो वंडर ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। इसमें हैरत नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख में हमागीर तौर पे सबसे ज्यादा जी असर शख्सियत तस्लीम किया जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, ए ग्रेट हिस्टोरियन जो कि एक अजीम तारीखदान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर वाज रेस्पॉन्सिबल for both theology of Islam and its main ethical and moral principle. Taham Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Islam ki diniyat aur iske hum akhlaqi usoolon ke zimmedar the. In addition, he played a key role in proselytizing others to the new faith in the establishing of religious practices. Proselytizing means naya deen, yani Islam. The new faith, proselytizing means turning other to new religion and religious belief, covering other to Islam, means Islam. Religious practices, mazhabi taur tareeke. इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए दीन में दूसरों को शामिल करने और मजहबी तौर पर तरीके कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया। नाउ वी मूव टू द पैराग्राफ नंबर 10। Such a thorough transformation of man and society owes to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to nobility of his character. Owes marhoon e minnat. Insaan aur maashre ki is qadar mukammal tabdili
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह कादर मुतलक पर गहरे ईमान और इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपके किरदार की आला खूबियों की मरहूम मिन्नत है। इंडीड हिज लाइफ इज परफेक्ट मॉडल टू फॉलो। हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पैरवी करने के लिए एक मुकम्मल नमूना है। इन रिप्लाई टू ए क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सैद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हिज मॉरल एंड करेक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ होली कुरान। आपका अखलाक और किरदार मुजस्समे कुरान पाक है। एम्बॉडीमेंट मीन नुमाइंदा, नुमाइंदगी। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड गोज टू द होली कुरान। इंसानियत के निजात दहिंदा के बारे में आखिरी लफ्ज कुरान पाक से वाबस्ता है। ओ प्रॉफिट, surely we have sent you as witness and as a bearer of good news and as a warner. ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने आपको एक शाहिद और एक खुशखबरी देने वाले और एक तंबीह करने वाले के तौर पे भेजा है, और एंड एज वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन एंड एज लाइट गिविंग टॉर्च, और अल्लाह की इजाजत से अल्लाह की तरफ बुलाने वाले और रोशनी देने वाले मशल के तौर पे भेजा है। डियर स्टूडेंट, दिस वाज लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेसन। अब हम इस लेसन को दोबारा देखते हैं कि इस लेसन के अंदर हमने डिफिकल्ट वर्ड्स, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम उनको दोबारा वन बाय वन जो है वो देख लेते हैं। पैराग्राफ नंबर वन के अंदर आपका जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपके गुजरे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम उनको देखते हैं, उनको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अनपैरेलल, अनपैरेलल मीन बेनजीर, चाम, दिलकशी, ट्रैकलेस, बेकायदा रास्ते, ड्यून्स, रेत के टीले, सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, डेजलिंग, चुंधिया देने वाली, आंखों को चुभने वाली, एक्साइटेड, जुम्बिश देने वाली, तहरीक देने वाली, इमेजिनेशन, तखय्युल। नाउ वी मूव टू पैराग्राफ नंबर टू। पैराग्राफ नंबर टू के अंदर पोजेस्ड, रखना, इट इज सेकंड फॉर्म, रखते थे, रिमार्केबल, गैर मामूली, मेमोरी, हाफजा, यादाश्त, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट फसीहुल बयान, एलोक्वेंस, ये नाउन है, एडजेक्टिव, इसी एडजेक्टिव से नाउन है, खुश बयानी, फसीहुल बयानी, एक्सप्रेशन, इजहार, अदायगी। देन वी हैव शॉर्ट पीसेस, छोटे किताब, छोटी नज़्में, कंपोज्ड, लिखी गई हों, एक्सक्लूसिवली, खास तौर पे, प्रोमलगेशन, तशहीर, ऐलान, डिस्पेंसेशन, सिस्टम आर अरेंजमेंट इन द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, दुनिया की तरतीब, प्रिजर्वेशन, महफूज, कायम रखने वाले। एंड नाउ वी मूव टू पैराग्राफ नंबर थ्री। पैराग्राफ नंबर थ्री के अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स जो हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा हम उनको देख लेते हैं। वर्ड्स, किनारा, chaos,
इंतशार, सिविलाइजेशन, तहजीब, तमद्दुन, क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़े होना, पाश पाश होना, रेज्ड, ब्रॉट अप, ह्यूमैनिटी, नस्ले इंसानी, इग्नोरेंस, इल्म का फुकदान, फेथ, ईमान और यकीन। और पैराग्राफ नंबर 4, सॉलिट्यूड, तन्हाई, मेडिटेशन, मुराकबा, ध्यान, रिमेम्बरेंस, याद, पैराग्राफ नंबर 5, ओवरफ्लोइंग, लबरेज, भरा हुआ, प्रोफाउंड, गहरा, डीप, कंपैशन, हमदर्दी, रहम, प्रेसिंग अर्ज, शदीद ख्वाहिश, इरेडिकेट, छुटकारा दिलाना, खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, रॉन्ग बिलीव्स, गलत एकाएद, सोशल इविल, मुआशरती बुराइयां, मिसाल के तौर पे शराबखोरी, जुआ, बेस्टोड, नवाजा जाना, प्रॉफिटहुड, पैगंबरी, कन्वेट, पहुंचाना, क्रिएटिव, पैदा किया, प्लॉट, लोथड़ा, बाउंटीफुल, फ्रॉग बिल। नाउ वी मूव टू पैराग्राफ नंबर 6, फ्लो, बहाव, डिवाइन, खुदाई, अरिजन, उठ खड़े हुए, चल पड़े, प्रोक्लेम, ऐलान करना, वननेस, तौहीद, मिशन, मकसद, नेक्सस, ताल्लुक, सुपरस्टिशन, तहम प्रस्ती, डिसबिलीव, बेदीनी, सेटअप, कायम करना, नोबल, आला, कंसेप्शन, ख्यालात, तसव्वुरात, तसव्वुर, ब्लिस, रूहानी सुकून, सो वी मूव टू पैराग्राफ नंबर 7। पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर सबसे पहला वर्ड हमारे पास है थ्रेटनिंग, खतरा, डोमिनेंस, तसल्लुत, गलबा, पेगन, काफिर, माउंट, इंक्रीज करना, बढ़ाना, फॉलोअर्स, पैरोकार, पैरवी करने वाले, रिनाउंस, छोड़ देना, कॉज, मकसद, आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती, ओकेजन, मौका, डेलीगेशन, वफद, काइंड एंड केयरिंग, मेहरबान और मददगार, रेस्ट्रेन, रोकना, प्रीचिंग, तबलीग करना, एनमिटी, दुश्मनी, डायलेमा, दोहरी मुश्किल, मेमोरेबल, यादगार, याद के काबिल, अबंडन, छोड़ देना, तर्क कर देना, प्रोक्लेमेशन, ऐलान, पेरिश, तबाह होना। नाउ वी मूव टू पैराग्राफ नंबर 8।
पर अगर आप नंबर एट के अंदर हमारे पास जो डिफिकल्ट वर्ड्स मौजूद हैं, इम्प्रेस्ड, मुतासिर हुए, फर्म, पुख्ता, डिटर्मिनेशन, इरादा, अज़्म समीम, फरसेक, अकेला छोड़ देना। नाउ द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 9। इम्ब्यूट, सरशार होना, रिजॉल्व, इरादा, एनकाउंटर्ड, सामना करना, चैलेंजेस, आजमाइश या मुश्किल सूरत हाल, मुश्किल काम, ग्रेस, खुशनुमा बर्ताव, डिग्निटी, खामोश तर्ज अमल या अजमत, एलिवेटेड, बुलंद किया, स्पिरिचुअल, रूहानी, वर्ल्डली, दुनियावी, डोमेन्स, मैदान, ड्राइविंग फोर्स, तहरीक देने वाली, कंक्वेस्ट, फतुहात, एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाली, इम्प्रेशन, असर, यूनिवर्सली हमागीर, एक्नॉलेज, तस्लीम शुदा, माना जाना, इन्फ्लुएंशियल, जी असर, थियोलॉजी, दीनियात, एथिकल, अखलाकी तौर पे, नाउ वी मूव टू पैराग्राफ नंबर 10। पैराग्राफ नंबर 10 के अंदर हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, मुकम्मल तब्दीली, नोबिलिटी, आला अखलाकी खूबियां, एम्बॉडीमेंट, नुमाइंदगी या नुमाइंदा, सेवियर, निजात दहिंदा, बचाने वाला, बेरर, पैगाम देने वाला, वार्नर, तंबी करने वाला। ये स्टूडेंट हम इसको यहीं तक इसका अख्ताम करेंगे। उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को मौजूदा सूरत आल के अंदर जारी रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।